वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेद ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी इस वक्त हम कहाँ पे हैं, नहीं पता है? अभी इस वक्त हम बनारस में हैं, जो कि खिड़किया घाट एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है बनारस में, जो कि यहाँ का उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आए हुए थे यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं। ये यहाँ देखिए कुछ ऐसा है फ्रंट का, बैक साइड में आप देख ही रहे हैं राजघाट का पुल दिख रहा होगा। मिट्टी लगाया गया था, काफ़ी मिट्टी यहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो गया है पूरा, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है दोस्तों लोग को। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, और आप लोग को दिखा देते हैं ये जो है खिड़किया घाट का नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, इतने लोग हैं कि इसमें हम खुद ही खो जाएंगे इसमें। और दिखा रहे हैं हम आपको फ्रंट साइड से, देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और बागबानी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है बागबानी का, और जो ये जो सीढ़ी बना हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी बना हुआ है जो कि बैठ के लोग अपना यहाँ पार्क वगैरह देख सकते हैं। और इधर भी काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, और इधर भी देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपको दिखाते हैं, भाई साहब भी यहाँ पे अपना सेल वगैरह झालमुड़ी कर रहे हैं। खिड़किया घाट का नज़ारा हम लोग को दिखा रहे हैं गाइस, पूरा जानकारी हम आप लोग को देते हैं। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, तो ट्रक भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। 25 मीटर्स का जो है कि 25 फीट का ये बनाया गया है, ये भी 25 फीट का है, और उसके बाद ये जो है कि ये 15 फीट का बनाया गया है। गाइस ज़्यादा पास नहीं आ सकते हैं, सिक्योरिटी का भी ध्यान लगाया गया है कि सिक्योरिटी यहाँ पर देखते रहें, ध्यान देते रहें लोग। तो दोस्तों, आपको ये जो दिख रहा है इंस्टॉलेशन पॉन्ड जो देख रहे हैं आप, ये पानी में तैरता है, और ये जो सामने देख रहे हैं गंगा में जो कि वो बनाया गया है, उसी तरह बनाया जाएगा, और ये नहाने के लिए बनाया जाएगा, स्नान करने के लिए लोगों को। गंगा से नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा आपको, और यहाँ पर लोग काफ़ी नए नए एंगल में पोज ले कर फ़ोटो ले रहे हैं, तो हम ऊपर से दिखा देते हैं आप लोगों को। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को गाइस, तो और भी दिखाते हैं हम आपको, ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं हम आपको, जो कि ऊपर भी कुछ बन रहा है यहाँ पे, और ऊपर दिखाते हैं हम आपको दोस्तों। और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो कि घूमने के लिए यहाँ पर, और किसी से हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग भड़क भी जाते हैं। और ऊपर भी बना हुआ है, ये देखिए, हम आपको लेके चलते हैं इधर, दिखाते हैं इधर भी कुछ बनाया गया है जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खूबसूरती बनाया गया है। कुछ लोग नए नए एंगल से पोज से फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पे, और इधर भी थोड़ा सा जो है कि बना हुआ है, और साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है यहाँ पे। और ये देखिए टाइमलाइन इंस्टॉलेशन बनाया गया है, ये भी हिस्ट्री लिखा हुआ है। ये जो चार दुकान है फूड्स कोर्ट, जो कि अभी दुकान को अलाउड नहीं किया गया है, ऑन नहीं है, ये चारों सिर्फ स्मार्ट सिटी द्वारा लगाया गया है यहाँ पे, और दुकान जब ये खिड़किया घाट रीओपन हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कोई भी पैसा वगैरह नहीं लग रहा है, और शौचालय भी लगाया गया है। टंकी जो है कि 1000 लीटर का टंकी यहाँ पर दो लगा है, इधर 1000, वहाँ पर दिख रहा है कि 2000 का टंकी है, दो टंकी लगाया गया है, साफ़ सुथरा भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। और वो देखिए बोट्स वगैरह भी, और वो देख रहे हैं आप, वो जो है कि वो सीएनजी जो है फ्लोटिंग बोट के लिए सीएनजी है,
और एक यहाँ पे भी सीएनजी का जो है कि टंकी है, सीएनजी टंकी, और ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को। 36 करोड़ के लागत से स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब के बाद में इंस्टाग्राम पर लिंक आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसी तरह दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।